प्लीज़ भाई फ्लैग का एनिमेशन बताओ। तो भाई ये देखो मैंने बना लिया है, ठीक है, फ्लैग का एनिमेशन, और आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से ये जो एनिमेशन है ये मैंने बनाया है। और मैं आपको बता दूँ, ये बनाया मैंने प्रिज्मा 3D ऐप से, जो अब मैं आप सभी लोगों को सिखाने जाऊँगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये सीखना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और हमेशा की तरह वही कहूँगा यार, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आप सभी लोगों को ना, तुम अलग अलग कंट्री से होंगे, ठीक है, कोई पाकिस्तान से होगा, कोई कहाँ से होगा, ठीक है, आप अपने अपने फ्लैग से अपना एनिमेशन कर लेना। मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया का फ्लैग यूज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब उसकी PNG डाउनलोड करेंगे, करने के बाद उसको इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसे हम कटआउट कर लेंगे, ठीक है, रोटेट करके ऊपर की ओर लाएंगे, और एक लेंगे सिलेंडर। सिलेंडर लेने के बाद बिल्कुल एक पाइप जैसा बना देंगे, ठीक है, जहाँ पे हम अपना फ्लैग मतलब टांगते हैं, रखते हैं, जो भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, और हमने ले लिया एक स्पेयर, ऊपर इसकी एक गोल गोल तरीके से ये बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो हमारा जो फ्लैग है, फ्लैग पे लगाने कटआउट, इस तरीके से कटआउट इसलिए लगाते ताकि हम यहाँ पे बोन लगा सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोन लगाए और बोन ढंग से नहीं लगे, तो मैंने हटा के दोबारा से बोन लगाए, और अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बोन लग चुके हैं। तो बोन लगने के बाद पहला बोन सेलेक्ट करेंगे, 0 पे की फ्रेम लगाएंगे, ये रहेगा परमानेंट, ठीक है। उसे अगला बोन लेंगे, 0 पे की फ्रेम लगाने के बाद हम इस फ्लैग को करेंगे राइट साइड की ओर रोटेट, और यहाँ पे लगा देंगे हम की फ्रेम। उसे अगला बोन सेलेक्ट करेंगे, 0 पे की फ्रेम लगाने के बाद 30 पे आएंगे और उसको राइट साइड की ओर करेंगे, ठीक है, और इसको हम लगा देंगे की फ्रेम। अब उससे अगला बोन लेंगे, 0 पे की फ्रेम लगाने के बाद 40 पे आएंगे, 50 पे, ठीक है, और राइट साइड की ओर करके की फ्रेम लगा देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फ्लैग का जो राइट साइड का जो एनिमेशन है वो हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। फिर हम बिल्कुल जो ऐसा हमने राइट साइड की ओर किया है बिल्कुल ठीक ऐसा लेफ्ट साइड की ओर करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे जो पहला बोन तो परमानेंट है, उसे आगे वाला बोन लेंगे, आगे वाला बोन लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जैसे कि 50 पे था ना, 50 पे हम कहाँ पे थे, यहाँ पे हमारा जो राइट साइड का एनिमेशन कंप्लीट हो चुका था। अब 50 से ही 50 को हम एज ए जीरो वो मान के, 0 पॉइंट मान के, अब जैसे हमने लेफ्ट साइड की ओर करा है ना, बिल्कुल ठीक ऐसा लेफ्ट साइड की ओर करना है, ठीक है, जैसे हमने शुरू में राइट साइड की ओर करा है, तो वैसे ही अब हमें लेफ्ट साइड की ओर करना है, ठीक है। और 50 को एक जीरो की तरह मानना है कि 50 जो पॉइंट है वो अब एक जीरो है, ठीक है, अब हमें उसको लेफ्ट साइड की ओर करना है। तो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था राइट साइड की ओर, बिल्कुल ठीक ऐसा लेफ्ट साइड की ओर करना है। तो जो तुम्हारा जो ये जो रोटेशन है लेफ्ट राइट साइड से, लेफ्ट साइड का इस फ्लैग का जो मूवमेंट है वो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, 50 को एज ए जीरो मान रहा हूँ मैं, और जैसे मैंने राइट साइड की ओर अपने की फ्रेम लगाए है मूवमेंट के इसके, ठीक है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की ओर करके, ठीक है, इसके की फ्रेम लगा रहा हूँ, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे जैसे कि हमारा जो फ्लैग है ऐसे राइट साइड की ओर जाएगा, जाने के बाद फिर ऐसे उल्टा लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, ठीक है। जब ये सारे के सारे चीज़ हो जाए, तो अब देखो एक बढ़िया ट्रिक पता क्या है, उन 3 बोन को सिलेक्ट कर लेंगे और उन सभी बोन जो हमने की फ्रेम लगाया उन सभी को कर लेंगे कॉपी। इससे जो एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। मतलब जैसे 3 सेकंड का एनिमेशन है, अगर आप उसको 5-6 बारी कॉपी पेस्ट कर दोगे, इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, वो एनिमेशन लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, विदाउट मेहनत। अब तुम्हें बार बार ऐसे लेफ्ट साइड करके, राइट साइड करके, राइट साइड करके, लेफ्ट साइड करके ऐसे एनिमेशन नहीं देना, अब तुम्हें एक बार देना है, फिर उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट मैंने तुम्हें सब बता रखा है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फ्लैग का एनिमेशन देते हैं, ठीक है। और अभी जिसको नहीं समझ आया वो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख ले, और मेरी बात को ध्यान से सुन के वीडियो को देखे, अब तुम्हें भी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और
और अगर भाई तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे जब कुछ नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी जब ही आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें जल्दी समझ आएगा, ठीक है। ये है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इससे तुम्हें आसानी होगी, ठीक है, पर लेकिन प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी जब ही बनेगा बात, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट लगा रहा हूँ ताकि जो हमारा जो जो फ्लैग का जो वो है ये थोड़ा निखर के आए, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम कैमरा भी लेंगे। कैमरा लेने के बाद हम यहाँ पर अब हम लेंगे कैमरा, यहाँ पे थोड़ी लाइट एडजस्ट कर दूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइट एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा इसको अच्छा सा बना दूँ, ठीक है। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, कलरफुल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसका जो एनिमेशन है वो बिल्कुल रेडी भी हो चुका है हमारा, और अब हम इसको ग्रीन स्क्रीन कर देंगे। अगर मैं ये जो एनिमेशन है ये कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे इस प्रिज्मा 3D ऐप के अंदर ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनती है, ठीक है। और इस ये हमने हमारा एनिमेशन हो चुका है तैयार, और ये जो एनिमेशन है आप लोग खुद देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। कौन कहेगा इसको मैंने प्रिज्मा 3D ऐप से बनाया है, इतना बढ़िया लग रहा है। और उस बाइक को अगर जिसका वो कमेंट था उस बाइक को मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों के भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।